हेलो एवरीवन, वेलकम टू तरुण आईएएस एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तरुण आईएएस एकेडमी पे। मैं सौम्या और आज का करंट अफेयर्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए मेरी आवाज और ब्राइटनेस दोनों ही बिल्कुल क्लियर है। क्लियरली मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, ब्राइटनेस बिल्कुल क्लियर है। ओके, चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एनालिसिस से, आज के करंट अफेयर्स से। मैम, आज कौन कौन सी न्यूज हम यहाँ पे कवर करेंगे प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। देखो आज जो हम आज है 10 अप्रैल, ठीक है, धीरे धीरे करके जो है आपके प्रीलिम्स की डेट पास आती जा रही है, आई नो। और आज एंशियंट हिस्ट्री का मैं बता दूं स्टार्ट करने से पहले करंट अफेयर्स की, 5 बजे प्रीलिम्स बूस्टर वाली सीरीज में आज हम एंशियंट हिस्ट्री के PYQ स्टार्ट करने वाले हैं। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। सो PYQ माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, सो आज से 2 से 3 क्लास में आपके जितने भी PYQ यानी जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं वो भी, और जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं यानी कि पूछे जा सकते हैं, तो दोनों ही क्वेश्चंस जो है मैं आपके लिए सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस रिवाइज करते रहना है। एंशियंट हिस्ट्री हमारी हो गई है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स बूस्टर में हम लेंगे वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। सो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे और उसके पहले आपका PYQ मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री में डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो भी और जो पूछे। फर्स्ट न्यूज क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव। अब क्या होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव, अब ये रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन है, तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे सारी ही चीजें बताऊंगी। देन ट्यूबरक्लोसिस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ट्यूबरक्लोसिस किससे फैलता है, क्या ये एक बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है या फंगल डिजीज है, बेसिकली है क्या। ओके, देन कितने टाइप के आपके ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, कितने टाइप के होते हैं भाई, पल्मोनरी होते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है, ठीक है, क्या और भी तीसरा टाइप है मैम। देन ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है, क्योर कैसे हो सकता है, क्या कोई दवाई है, तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे जो है इसमें पढ़ेंगे। फिर न्यूज नंबर 3, आर्टिकल 21 पे आज द हिंदू में एक आर्टिकल आया है। अब ये आर्टिकल 21 में क्या इंपॉर्टेंट है जो न्यूज में चल रहा है इस समय, सो उसके रिस्पेक्ट में आपको सारी ही न्यूज यहां पे बताऊंगी, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका 4th न्यूज, दैट इज सोलर पैनल्स। अब सोलर पैनल्स के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि सोलर पैनल्स किससे बने होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, सोलर एनर्जी किस प्रकार होती है, भारत जो है क्या लीडिंग है सोलर एनर्जी में, क्या नंबर 1 है, नहीं तो नंबर 1 कौन है, ठीक है। देन सोलर पैनल्स जो सबसे ज्यादा बनाता है वो कौन सी कंट्री है। ओके, जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरीके के इनिशिएटिव्स आपके ले रही है सोलर पैनल्स को और ज्यादा डेवलप करने में या सोलर एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाने में। ओके, गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या है, देन ओवरऑल पॉजिटिव क्या है, ओवरऑल नेगेटिव क्या है, तो ये सभी चीजें जो है आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले तो हम न्यूज नंबर 1 देख लेते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव की यहाँ पे बात करेंगे। सो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे बोला गया है वो ये है कि ड्राउट प्रोन एरिया जो है भारत में ये बढ़ता जा रहा है। ड्राउट क्या होता है भाई, ड्राउट होता है आपका सूखा, यानी जब सूखा पड़ जाता है एक बहुत लंबे समय तक, क्या होता है बारिश नहीं आती है। अब आप ये सोचो बारिश अगर नहीं आएगी एक बहुत लंबे समय तक, तो मेरे प्यारे बच्चे आप ये मुझे बताइए कि फसल कैसे ग्रो होगी, ये बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे कोई भी दिक्कत है बताते जाइए, और अगर कोई भी पर्सनल डाउट आपको पूछना है, कोई भी डाउट किसी भी चीज में पूछना है, तो टेलीग्राम चैनल द सौम्या मैम डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के लिंक में है, आप देख लेना, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट है ओवरऑल ड्राउट जो है, सूखा जो है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरा चीज क्या है, अब एक रिपोर्ट आई है अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऐसा बोला जा रहा है कि वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी महिलाएं और बच्चे जो है दे आर 14 times यानी 14 times ज्यादा लाइकली टू डिजास्टर, 14 times ज्यादा लाइकली दे आर प्रोन टू डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर के वो 14 times जो है मोस्ट प्रोन है, ठीक है। देन और क्या बोला जा रहा है भाई, 75% ऑफ द विलेजेस
ऐसा माना जा रहा है कि 75% ऑफ द विलेजेस में डिजास्टर आने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, डिजास्टर आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। आप देख रहे हो एनवायरमेंट हम ओवरऑल जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है भाई। आईपीसीसी रिपोर्ट भी आ गई है, ठीक है, आईपीसीसी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, क्या बोला है कि भारत का जो टेम्परेचर है, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होता जा रहा है। अब आप ये सोचिए अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से, कितने सेल्सियस से, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे कितना ज्यादा जो है हीट, कितना ज्यादा जो है यहां पे ओवरऑल इफेक्ट होगा अर्थ को, कितना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा ओवरऑल अर्थ को, इस बात का अंदाजा जो है आप लगा सकते हैं, ठीक है, कि कितना हार्म, कितना ग्लोबल वार्मिंग, कितना ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। अब ये सब चीजें बढ़ेंगी तो आपको पता है एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ओवरऑल अर्थ जो है वो डिस्टर्ब रहेगी, एनवायरमेंटली जो है वो वीक रहेगी, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि ओवरऑल जो लंग कैंसर का आपका एक खतरा है वो दिन प्रतिदिन क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, दिन प्रतिदिन क्या होता रहेगा यहां पे, बढ़ता रहेगा, ठीक है। सो ये सारे ही पॉइंट्स जो है, अच्छा कितने परसेंट से बढ़ रहा है ये भी लिख लो, 9% से, ठीक है, 9% से, ओके। सो यहां पे ये सारी ही जो चीजें हैं आपकी इसके रिस्पेक्ट में है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी यहां पे रिपोर्ट में वो मैंने क्लियरली बता दी हैं। ये आज के द हिंदू में भी कवर किया गया है और इंडियन एक्सप्रेस में भी जो है वो कवर किया गया है। अब यहां पे मैं एक छोटा सा आपके लिए एक पिक्चर भी लेकर आई हूं जहां पे आप देख सकते हैं कि ओपन डेफिकेशन जो है यहां पे, अब देखो मैं इसको डिलीट कर रही हूं, ठीक है, साथ साथ में आपको नोट्स बनाने हैं, इसलिए देखो यहां पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ओपन डेफिकेशन यानी खुले में जो शौच है आपका, परसेंटेज ऑफ हाउसहोल्ड डेफिकेटेड इन द ओपन 19.4%, यानी रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज यानी गांव के क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ठीक है, गांव वाले क्षेत्र 25.9% है, जबकि अर्बन में कितने आपके ओपन डेफिकेशन है, 6.1%, यानी रूरल एरियाज में हालत जो है अभी ज्यादा खराब है, वहां पर अभी शौचालय नहीं बने हैं, ठीक है। तो यहां पर अब ऐसा बोला जा रहा है कि नेशनल सर्वे फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार, अभी वैसे तो ऐसे बोलते हैं कि 2019 जब स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन आया था तो पूरा ही जो ग्रामीण क्षेत्र है वो आपका ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है ना, यानी कोई भी ऐसी विलेज नहीं है जहां पे खुले में शौच होता हो, बट दरअसल ऐसा नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट ने यह बोला है अभी भी 30 जो है यहां पे 30 स्टेट्स इस तरीके से पाए गए हैं जहां पे ओपन डेफिकेशन होता है, ठीक है। सो अभी भी जो है वो इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, अभी भी जो है वो आगे बढ़ने की हमें जरूरत है, यहीं पे ही हम जो है नहीं रुक सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे आपको स्टेट वाइज भी रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्रों का डाटा दिया हुआ है, बिहार में 43.9% बहुत ज्यादा है, ठीक है, झारखंड में 41, उड़ीसा में 37, तमिलनाडु में 33.9, मध्य प्रदेश में 33.3, देख सकते हैं यहां पे कितना ज्यादा जो है यहां पे ओपन डेफिकेशन दिन प्रतिदिन जो है यहां पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यानी खुले में जो शौच करते हैं लोग बाग, ठीक है। चलो अब यहां पे न्यूज़ 2 देखेंगे, ट्यूबरक्यूलोसिस, अब देख सकते हो यहां पे, अब सबसे पहले ट्यूबरक्यूलोसिस जब आपसे आपको माइंड में आता है, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, मैम ये बताओ कि क्या ये एक वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल है या फंगल है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, यानी बैक्टीरिया से जो है ये अकर होती है, बैक्टीरिया से जो है ये कॉज होती है, ठीक है, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। अब ये किसने कॉज किया, कौन जो है आपका ट्यूबरक्लोसिस आपका रिस्पॉन्सिबल है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो है यहां पे मेजरली रिस्पॉन्सिबल है आपके ट्यूबरक्यूलोसिस को फैलाने के लिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ट्यूबरक्यूलोसिस दो टाइप के होते हैं, एक जो लंग्स को इफेक्ट करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, दूसरा जो अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को इंपैक्ट करते हैं, यानी लंग्स के अलावा भी बाकी बॉडी पार्ट्स को इंपैक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। तो जो लंग्स को इंपैक्ट करते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, और जो अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को इंपैक्ट करते हैं
एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, क्लियर है यहां पे, इतना समझ में आ रहा है। अब आगे जानिए यहां पे, क्या ये डिजीज ट्रीटेबल है, यानी कि क्या इसका इलाज है? बिल्कुल इसका इलाज है। तो ये डिजीज जो है आपकी ट्रीटेबल है, ये डिजीज आपकी क्योरेबल है, क्योर हो सकती है, ट्रीट हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है या इसका क्योर नहीं हो सकता है। तो यहां पे एक वैक्सीन है आपकी, लिख लीजिए बीसीजी वैक्सीन, यानी कि बीसीजी का मतलब क्या है? बैसिलस कैल्मिटे ग्यूरिन। क्या है बीसीजी का मतलब? बैसिलस कैल्मिटे ग्यूरिन, बैसिलस कैल्मिटे ग्यूरिन, ये जो है वैक्सीन है बीसीजी, और ओवरऑल ट्रीटमेंट करने में क्या है, आपकी मदद करती है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फैलता कैसे है, ट्यूबरक्यूलोसिस फैलता कैसे है आपका, थोड़ा ये भी जान लो। ठीक है, कि ये जो है फैलता कैसे है, डिलीट कर दिया मैंने ये। ठीक है, फैलता कैसे है, देखो ये फैलता है आपका, ये स्प्रेड होता है आपका पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर फैलता है। कैसे फैलता है बेटा? एयर कॉन्टैक्ट से, यानी अगर आप खुले में छींक देते हो या खुले में अगर आप स्पिटिंग करते हो यानी थूक देते हो, तो ये इस तरीके से जर्म्स जो है वो फैलते हैं। एंड ओवरऑल क्या होता है यहाँ पे, पर्सन टू पर्सन इंपैक्ट फैलता है, यानी ये एक ट्रांसमिटेबल डिजीज है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज है। ओके, देन बात आती है मैम इसके सिम्टम्स क्या है। तो सिम्टम्स क्या है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे चेस्ट पेन हो गया, फीवर हो गया। ठीक है, तो चेस्ट पेन हो गया सबसे पहले, देन फीवर हो गया, देन वेट लॉस हो गया, वेट लॉस हो गया, देन आपका नाइट स्वेट हो गया, नाइट स्वेट हो गया। ठीक है, सो ये सारी ही चीजें क्या है यहां पे, ये सारी ही चीजें आपकी क्या है, ये सिम्टम को कॉज करती हैं। क्या कॉज करती है बेटा? सिम्टम को कॉज करती हैं ये। ठीक है, अब आपका जो टीबी है वो दो तरीके से होता है, एक होता है आपका, अब ये डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो टीबी है वो दो तरीके से होता है, एक होता है एमडीआर टीबी और एक होता है एक्सडीआर टीबी, एक होता है एमडीआर टीबी और एक होता है एक्सडीआर टीबी। ठीक है, अब एमडीआर टीबी क्या होता है और एक्सडीआर टीबी क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। अब टीबी जो ट्रीट नहीं हो सकता, ठीक है, यहां पे एमडीआर टीबी क्या होता है आपका, स्ट्रेन ऑफ टीबी कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ टू मोस्ट पावरफुल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, यानी कि दो मेजर जो दवाई है टीबी की, अगर उससे टीबी ट्रीट नहीं हो रहा है तो वो क्या है आपका, एमडीआर टीबी है। और दूसरा, अगर वो बहुत सारी दवाइयों से ट्रीट नहीं हो रहा है, यानी कि आप जो है दवाई खाते जा रहे हैं, दवाई खाते जा रहे हैं पर शरीर में टीबी को, उस बैक्टीरिया को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सो जब ऐसा बहुत सारे मल्टीपल दवाई आप खा रहे हैं टीबी से रिलेटेड ही, और जब भी फर्क नहीं पड़ा, यानी एक्सट्रीम का एक्सट्रीम केस जिसको बोलते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक केस, तो वो है एक्सडीआर टीबी। और एमडीआर टीबी जो है ये क्या है, जो दो मेजर आपके मेजर सबसे पॉपुलर दवाइयां हैं, जब वो असर नहीं कर रही हैं तो होता है एमडीआर टीबी। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया, क्लियरली समझ में आ गया, हाँ ना बताइए जरा, बताइए जरा हाँ ना। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे मैम गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी प्यारी सरकार क्या कर रही है इसको ट्रीट करने के लिए, देखो सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं, जैसे WHO का एक इनिशिएटिव है आपका, क्या है, फाइंड ट्रीट एंड ऑल एंड टीबी, फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी। ठीक है, ढूंढो और टीबी को जड़ से खत्म कर दो। ठीक है, फिर दूसरा एक ग्लोबल फंड बना है, ग्लोबल फंड फॉर टीबी पार्टनरशिप, ग्लोबल फंड फॉर टीबी पार्टनरशिप, ये दूसरा आपका एक फंड बना है। देन तीसरा कौन सा प्रोग्राम है, निक्षय प्रोग्राम है एक, कौन सा प्रोग्राम है भाई, निक्षय प्रोग्राम है यहां पे। देन आपका एक रिपोर्ट है WHO के द्वारा निकाली गई, ग्लोबल ट्यूबरक्यूलोसिस रिपोर्ट, ग्लोबल ट्यूबरक्यूलोसिस रिपोर्ट। ठीक है, तो ग्लोबल ट्यूबरक्यूलोसिस रिपोर्ट जो है यहां पे, ये भी फेमस है। देन और क्या है यहां पे, टीबी हारेगा देश जीतेगा,
टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, ठीक है, तो ये कैंपेन भी फेमस है। तो इसका मतलब सरकार जो है अपने मैक्सिमम एफर्ट्स कर रही है टीबी को हटाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारी ही चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बता दी कि टीबी क्या होता है, कैसे फैलता है, कितने तरीके का होता है, क्या मेडिसिन होती है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ओवरऑल इंटरनेशनल इनिशिएटिव क्या है, ठीक है। चलो अब इसके बाद आगे की न्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं आर्टिकल 21। अब आज ही के पेपर में यानी द हिंदू में आपका कवर किया गया है इस आर्टिकल को, ठीक है। सो क्या कहता है वो आर्टिकल, एडिटोरियल क्या कहता है, यहां पे एनवायरमेंट को फोकस करते हुए आर्टिकल 21 के बारे में बताया गया है कि राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरमेंट, क्या बोला गया है, राइट टू लिव यानी जीने का अधिकार एक क्लीन, एक साफ सुथरे एनवायरमेंट में। ये किस आर्टिकल में मेंशन है, साफ सुथरे एनवायरमेंट में जीने का अधिकार होना चाहिए, ये मेंशन है आर्टिकल 21 में। किस में मेंशन है, आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में क्या मेंशन है, राइट टू लिव इन अ क्लीन हेल्दी एनवायरमेंट, राइट टू लिव इन क्लीन हेल्दी एनवायरमेंट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 21। और ये ओवरऑल क्या प्रेजेंट करता है आर्टिकल, राइट टू लाइफ के बारे में प्रेजेंट करता है, किसके बारे में प्रेजेंट करता है, राइट टू लाइफ के बारे में ये ओवरऑल आर्टिकल जो है आपका प्रेजेंट करता है, ठीक है। यहां पे क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत यहां पे, ओके। सो अगर आपके एग्जाम में आएगा कि राइट टू लाइफ इन अ राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरमेंट इज अंडर विच आर्टिकल, ऑप्शन दिए होंगे आर्टिकल 19, 21 और फिर 24, 25, तो क्या लगाओगे सही आंसर, आर्टिकल 21 लगाना, 19 नहीं लगाना, ठीक है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 आपको क्लियरली मार्क करना है। क्लियर है यहां पे, कोई दिक्कत अभी तक, अभी तक कोई दिक्कत कमेंट सेक्शन में सेंड कर दीजिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी, नेक्स्ट न्यूज है सोलर पैनल्स के रिगार्डिंग। अब सोलर पैनल्स के रिगार्डिंग जो न्यूज है वो ये है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा टारगेट क्या है रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भारत का, रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया का टारगेट क्या है, तो क्या टारगेट है इंडिया का, 500 गीगावाट हमें अचीव करना है बाय 2030, 2030 यानी 2030 तक 500 गीगावाट जो है यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी से हमें अचीव करना है, ठीक है। ये हमारा क्या है भारत का 2030 का क्या है बेटा टारगेट है, किसका टारगेट है 2030 का ये टारगेट है, ठीक है। अच्छा अब रिन्यूएबल एनर्जी के पॉजिटिव क्या है, सबसे पहला पॉजिटिव क्या है यहां पे, ओवरऑल क्लीन एनर्जी है, देन रिलायबल एनर्जी है, ठीक है, क्लीन एनर्जी है, रिलायबल एनर्जी है, और क्या है यहाँ पे, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, कॉस्ट अफोर्डेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्या है, वर्सटाइल है, तो ओवरऑल क्या है ये, वर्सटाइल है ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे ये रहे आपके पॉजिटिव। अब नेगेटिव क्या है, देखो हर चीज का क्या होता है, नफा नुकसान होता है, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव क्या है यहाँ पे, कॉस्ट जो है अभी थोड़ी सी हाई है, देन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे वो उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है वो थोड़ा सा सपोर्टिव नहीं है। ओवरऑल क्या है यहाँ पे, फाइनेंस का ओवरऑल क्या है, लिमिटेड एक्सेस है, क्या है फाइनेंस का, फाइनेंस का क्या है बेटा, लिमिटेड एक्सेस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ऑपरेशनल इश्यूज चल रहे हैं, यानी वर्किंग रिलेटेड, फंक्शन रिलेटेड क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ऑपरेशनल इश्यूज चल रहे हैं आपके, ठीक है, ऑपरेशनल इश्यूज आपके यहाँ पे चल रहे हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। देन बात अगर हम करें यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेप यानी सरकार ने क्या क्या जो है वो स्टेप्स लिए हैं, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, कदम कदम मिलाए जाओ, ठीक है। सो सरकार ने क्या स्टेप उठाए हैं, सबसे पहले सोलर पार्क स्कीम आई है, तो ध्यान रखिएगा सोलर पार्क स्कीम, ओके। देन सेकंड इनिशिएटिव क्या है सरकार का, रूफटॉप सोलर पैनल, जो देखा है ना आपने रूफटॉप यानी छतों पे जो सोलर पैनल्स लगाए होते हैं लोगों ने, ठीक है, तो रूफटॉप सोलर पैनल्स। देन और क्या इनिशिएटिव है, एक सृष्टि स्कीम है, क्या स्कीम है, सृष्टि स्कीम है, ठीक है। देन नेशनल मिशन ऑन सोलर एनर्जी, नेशनल मिशन ऑन
सोलार एनर्जी, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन सोलार एनर्जी। बेटा देखो मेंस में ना आपको इतना लिखने की जगह नहीं मिलेगी कि आप इसके अंदर अंदर भी चीजें लिख पाओ, सिर्फ की पॉइंट्स लिखने हैं आपको, ठीक है। देन और क्या इनिशिएटिव है इंटरनेशनल लेवल पे, चलो जरा ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि भारत और फ्रांस का इनिशिएटिव था, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं भाई, हरियाणा में है। एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर भारत में है, यानी हरियाणा में है, ठीक है, आपके गुरुग्राम में है, हरियाणा में, ओके, यानी गुड़गांव में, ठीक है। सो देन एक और इनिशिएटिव क्या है, पीएम कुसुम इनिशिएटिव है। तो कौन सा इनिशिएटिव है, पीएम कुसुम। अब पीएम कुसुम जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो आता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में आता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे सोलर पैनल्स की फंक्शनिंग को जानते हैं कि सोलर पैनल्स जो है वो किसके बने हुए होते हैं और काम किस तरीके से करते हैं। देखो ये जो है सोलर पैनल्स, ये फोटोवोल्टिक सेल्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, यानी ये एक कलेक्शन है ओवरऑल फोटोवोल्टिक सेल का, जो क्या करता है, सनलाइट को कन्वर्ट करता है। सनलाइट को क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है भाई, इलेक्ट्रिक करंट में आपका कन्वर्ट करता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है आपका सोलर पैनल, ठीक है, ओके, क्लियर है, क्लियर है। फोटोवोल्टिक सेल से ओवरऑल बने हुए होते हैं जिसका काम है सनलाइट यानी सूरज की रोशनी को ओवरऑल कन्वर्ट करना, किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। जब सनलाइट क्या होती है, सोलर आपके फोटोवोल्टिक सेल्स पे पड़ती है तो उसमें से फोटॉन्स निकलती है, क्या निकलते हैं, फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है, और उसी से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। समझ गए कैसे वर्क करता है सोलर पैनल्स, ठीक है, चलो अब बहुत बढ़िया बात। अब इसी के साथ जो आज का आपका करंट अफेयर एनालिसिस है उसको समाप्त करते हैं, उसको फिनिश करते हैं, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे द सौम्या मैम डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे दिया हुआ है वहां पे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा लाइक का बटन जरूर दबाना है और आईएएस तरुण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब यूपीएससी एग्जाम बिल्कुल पास है, यूपीएससी को कैसे क्लियर करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो मैंने सारी ही स्ट्रैटेजी की वीडियोस कैसे क्लियर करें, क्या टाइम टेबल है, स्मार्ट नोट मेकिंग क्या है, आपको दी हुई है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। आज जो आपका क्लास होगा प्रीलिम्स बूस्टर 5 बजे, वहां पे बहुत बहुत यानी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूं एंशिएंट हिस्ट्री के, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर ये 100 क्वेश्चंस आपने कर लिए तो ये समझ लो एंशिएंट हिस्ट्री आपकी नैया पार उसमें हो गई, ठीक है। चलो अब इसी के साथ वाइंड अप करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।